बीज हरिद्वार अपने गेस रहेंगे थोड़े वाले लेकिन मजा आया, अच्छा लगा। मतलब मैं खत्म नहीं कर रहा, आगे मिलते हैं सुबह। ये चुटकी बजाऊंगा और सुबह हो जाएगी। नाउ गोइंग टू कौन सी जगह भैया? जॉर्ज एवरेस्ट। अभी ज़्यादा अच्छी नींद नहीं आई रात को, क्योंकि स्वामी जरा कुछ गंदी गंदी गैसें निकाल रहा था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई इसमें। बाकी सब बढ़िया है भाई। गर्म है, गर्म पानी या ठंडा है? नॉर्मल वाटर है। इसको बोला था गर्म पानी लाने के। सो गुड मॉर्निंग, राइट नाउ इट इज 7:30 AM। अभी हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। कोई एक टिप पॉइंट है मसूरी में, वहीं जाके आपसे मिलता हूँ। अभी ये थोड़ा जो होटल है वहाँ नीचे है, ऊपर चढ़ के आना पड़ता है, सांस फूल रही है। चले भाई, गुड मॉर्निंग। धूप तो मस्त खिली है यार, एक जो बादल नहीं है कल की तरह। चलो जो है एक ये पॉइंट है, मैगी पॉइंट वगैरह है कुछ यहाँ पर, यहाँ तक ही बाइक जा सकती है। यहाँ से ऊपर बाइक जाने के लिए मना कर रखा है, कुछ काम वाम चल रहा है। वैसे पहले बता रहा था, अंकित बता रहा था कि पहले बाइक ऊपर भी जाती थी, लेकिन अब नहीं जा रही है। तो आई थिंक हमारा जो ट्रैक कितना चल रहा है अभी, उसमें और एडिशन हो गया, मतलब हमें ज़्यादा चलना पड़ेगा अब। यहाँ एकदम घाटी वैली है ना, मतलब अच्छा लगा। हाँ, मतलब एकदम पहाड़ों के बीच में घाटी है, और अराउंड 5 किलोमीटर मसूरी से आ गए। दो ऑमलेट ऑर्डर किए हैं, चाय सुबह से। अभी तो ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था, हम सोचे फिर ब्रेकफास्ट करके ऊपर निकलते हैं। एक घंटे ऊपर शायद जाने में लगे, 1.5 घंटा। ये क्या है, बहुत है यहाँ पर। यहाँ ठंड ज़्यादा है, वहाँ इतनी नहीं लग रही थी, यहाँ ज़्यादा ठंड है। पहाड़ों में ना कुछ भी खाओ ना अच्छा लगता है, और भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ का पानी भी अच्छा होता है ना, साफ। तो तुम्हारा जैसा भी मजा आता है, पादों को बीच में ले आता है तू पार्ट। तो अभी हमने जॉर्ज एवरेस्ट के लिए चढ़ना शुरू कर दिया है। फर्स्ट 1 किलोमीटर जो है वो रास्ता कुछ ऐसा है, जो हमने पूछा नीचे, मतलब बहुत अच्छा सा रास्ता है। और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद नेक्स्ट 1 किलोमीटर थोड़ा सा, मतलब रास्ता ही नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो टोटल जो ट्रैक है वो है 2 किलोमीटर्स का। हमारे तो अभी से ही सांस फूलने शुरू हो गई है, लेकिन हम धीरे धीरे चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आ रहा है मज़ा? चलो अभी मैं बोलना थोड़ा बंद करता हूँ, क्योंकि बोलने से और ज़्यादा सांस फूलेगा। के बाद हालत देखो, 6 मिनट हो गया। हाँ, लेकिन यार मस्त है एकदम, बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों के बीच में से रास्ता है। और बीच बीच में 2-3 लंगूर भी मिले थे हमें, तो इसके अलावा एक और लंगूर था। दोनों भैया गुड गुड जोक। हाँ,
इतना ठंडा, चिल्ड हो रहा है वाटर बिल्कुल। रोड रास्ता हो गया अभी, लेकिन अभी ठंड कम हो गई लगनी, क्योंकि पसीना आ रहा है ना, गर्मी लग रही है। तो स्वामी भाई अंकित, जहाँ हम जा रहे हैं ये नाम है जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज इनका घर होता था यहाँ पे। हाँ। तो जो मसूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें इनका सबसे बड़ा हाथ था, सबसे बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था। क्योंकि जितने हमारे ब्रिटिशर्स होते थे वो गर्मी के टाइम पे मसूरी आते थे, जैसे जितने हमारे पुलिस स्टेशन है, जैसे कि आप देख लीजिए दार्जिलिंग है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे बेसिकली, मतलब उनका घर था, मतलब बताते हैं कि जो ट्रिप पे हम जा रहे हैं वहाँ उनका घर था, वो रहते थे। तो जब भी देहरादून में जून में जो गर्मी पड़ती थी या मई में, तो वो सारे जो वहाँ पर फाउंडर्स थे यहाँ भी शिफ्ट हो गए थे। आई एम नॉट रॉन्ग, मसूरी को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, गलत हो तो कमेंट। स्टडी विंस द रेस। अभी रास्ता पत्थर वाला आ गया, बिल्कुल पत्थर है नीचे, उसमें क्या है ना फीट में दर्द होने लगता है यार, एकदम सीधा तो पड़ता नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। मसूरी आने में मजा यही है वैसे। हाँ ये काम नहीं करता मसूरी नहीं है मजा नहीं आता। नहीं वो जो स्टार्टिंग वाला था ना उसमें पैरों में दर्द नहीं हो रहा था, फीट में। अभी क्या है ना ये पत्थरों पे देखो, बिल्कुल पत्थर रीला रास्ता है। आने को तो बाइक भी आ जाएगी यार ऑफ रोडिंग, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पत्थर है, ब्रेक मारोगे फिसलेगी फिर भी। हाँ कितना कर लोगा फिर। ये कुछ प्लेन आया, प्लेन मतलब पॉइंट आया। रनिंग चालू करनी पड़ेगी पहले, स्टार्टिंग में ज़्यादा हुआ था मुझे तो, लेकिन अभी यह है कि बॉडी एकदम वार्म अप हो चुकी है। जगह आई देखो, कोई नहीं है यहाँ दूर दूर तक भी। अभी अराउंड सर 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गए हमारे कंप्लीट, और रास्ते बहुत स्केरी और लोनली लेस फीन होने लगा है अभी। यहाँ से अभी हिमालयन रेंज भी, मतलब स्नो पीक्स हल्के हल्के दिख रहे हैं, लेकिन कैमरे में दिख नहीं पाएंगी, उधर की साइड ना दिखाते व्यू आपको। ये देखो व्यू, अरे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम अभी, इधर स्नो पीक्स है। ये देखो क्या नाम है भाई आपका? आशीष भाई। ये ऊपर गए लेकिन अकेले थे तो डर के वापस आ गए। आप देखोगे ना वहाँ पर तो समझ आएगा कितना डरावना जगह है। हाँ वही देखने जा रहे हैं, तो ये भाई हमारे साथ ही चल रहे हैं, देखते हैं। भाई डरावना, तू अकेला यहाँ होगा तो वो भी डर जाएगा इस जगह पे भी, क्योंकि ये देखो सामने तो पूरी चट्टान ही है, वो रही ना पीक। नहीं ये पीक नहीं है सामने। अब यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, देखो इस तरह से चढ़ना पड़ रहा है, अब कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है। और सबसे बड़ा टास्क होगा इसके पीक पे जाना। अब बहुत इजी, आ जाओ सब आ जाओ। Yeah, थोड़ा सा स्केरी है ये जगह, लेकिन अभी पीक नहीं, पीक थोड़ा इधर है, अब देखते हैं। चले 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 नहीं, लेट्स सी। ये फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जो मेन पीक ज़्यादा नहीं, बस 20 फीट और ऊपर है ये, लेकिन ये जो है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है जाने का। तो लेट्स सी अभी विल मैनेज टू गो देयर और नॉट। यार थोड़ा स्केरी सा है, बट विल डिसाइड कि हाउ टू क्लाइंब इट। अब ये ऊपर ही है, इस पत्थर से ऊपर चलेगा तो पीक ही है, बाकी यार यहाँ से जगह पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। ओह एंडलेस है भाई, एंडलेस। आ जाओ, यहाँ इतना मुश्किल नहीं लग रहा वैसे, मुझे है ना अभी कैमरा रखना पड़ेगा यार। कट लियो, आ जा तो मुझे कैमरा दे, मैं भी चढ़ रहा हूँ, मुझे भी आ जा भाई।
भाई फर्स्ट ट्रैक जिंदगी का मेरा कंप्लीट होने वाला है। वाओ आई एम फीलिंग वेरी गुड। यहाँ से तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो We did it almost. यहाँ से भी सही है वैसे तो। Oh, this is the peak. Yeah. Here, last. I've done, bhai. लेकिन ऊपर जाते जाते सब साथ हो गए। ये भाई भी, भाई का नाम है आशीष वर्मा। हाय, हेलो ब्रो, ब्रो कोड। और ये हमारे साथ तीनों, इसका नाम है ध्रुव, ध्रुव नेहा, मनीषा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने ऊपर जाकर जो लड़ाई करी और एंटरटेन करा है। सब्सक्राइब कर रहा है। निकल गए मसूरी से। सो फाइनली यार बैक टू होम, घर जा रहे हैं। मसूरी का हो गया, एक दिन की ट्रिप थी, मज़ा आया। हम जॉर्ज एवरेस्ट गए, वहाँ की ट्रैकिंग की, 2.5 किलोमीटर अराउंड ट्रैकिंग है वहाँ पर और बहुत अच्छी है। बस कुछ ऊपर जाकर थोड़ा सा मुश्किल आता है, लेकिन ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर मसूरी जा रहे तो वहाँ पर मस्त जाना चाहिए, अच्छा है। ज़्यादा देर भी नहीं लगती, 3-4 घंटे ही लगता है। तो आई होप यार ये वीडियो, जो मेरी मेहनत है थोड़ी बहुत, उसको अप्रिशिएट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो इफ़ यू कैन सपोर्ट मी। मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि यार क्या क्या, मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ और क्या सही, क्योंकि आई वॉन्ट टू लर्न, आई एम जस्ट स्टार्टिंग व्लॉगिंग। मतलब ये इसमें जाना चाहता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है व्लॉगिंग करना, पहाड़ों में घूमना। तो चलो यार वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मसूरी से निकल रहा हूँ घर के लिए, बाकी रास्ता तो सब पता ही है, ये सब हो चुका है। तो वीडियो को इसलिए यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। यहीं ख़त्म करूँ? नहीं नहीं, एक काम करते हैं। यहाँ तो जाम भी लग रहा है, यहाँ ख़त्म नहीं कर सकते। आप वहीं मिलो मुझे जॉर्ज एवरेस्ट पे, वहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलो तो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि नीचे जाकर वापस दिल्ली जाना है। वो रोड्स तो आप पहले ही देख चुके हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कर देना वीडियो यार। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।